उपमंडल ज्वाली के अंतर्गत 17 वर्षीय नाबालिका के साथ दुष्कर्म करने के आरोप में पुलिस ने दो युवकों राकेश कुमार व मनोज कुमार निवासी कहरिया तालाब को गिरफ्तार कर लिया है। दोनों आरोपियों को ज्वाली कोर्ट में पेश किया जाएगा। पुलिस ने नाबालिका को साथ लेकर बातों की लड़ी व निजी रेस्टोरेंट का जायजा लिया। वहीं युवक द्वारा नाबालिका को ले जाने वाली गाड़ी को भी कब्जे में ले लिया है तथा पुलिस हर पहलू की गहनता से जांच कर रही है। एसपी कांगड़ा विमुक्त रंजन द्वारा उक्त मामले में जांच के लिए महिला थाना धर्मशाला की इंचार्ज को ज्वाली में भेजा था। नाबालिका की माता ने इसकी शिकायत पुलिस थाना ज्वाली में की थी और बताया था कि उसकी नाबालिग लड़की मौसी के घर जा रही थी। एक लड़के ने उसे अपनी गाड़ी में लिफ्ट दी, लेकिन नाबालिका को मौसी के घर छोड़ने के बजाय बातों की लड़ी में ले गया तथा वहां पर अन्य दोस्त को बुलाकर नाबालिका को जान से मारने की धमकी देकर दुष्कर्म किया और बाद में निजी रेस्टोरेंट में दुष्कर्म को अंजाम दिया। नाबालिका को गाड़ी में बैठा कर मतलाहर में छोड़ दिया। नाबालिका ने घर में आकर आपबीती सुनाई और बताया कि लड़कों ने किसी को इस बारे में बताने पर उसे जान से मारने की भी धमकी दी है। एसपी कांगड़ा विमुक्त रंजन ने कहा कि पुलिस ने नाबालिका के साथ दुष्कर्म करने पर दो युवकों को अरेस्ट कर लिया है तथा नाबालिका का मेडिकल करवाने उपरांत युवकों के खिलाफ आईपीसी की धारा 376 व पोस्को एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है। दोनों को कोर्ट में पेश किया जाएगा। ये ज्वाली थाने से संबंधित है। द गर्ल इज माइनर, तो जो भी अप्रोप्रिएट सेक्शंस हैं इसमें, उसमें केस रजिस्टर हो गया है और अक्यूज जो है वो अरेस्ट कर लिए गए हैं। बाकी की जो इन्वेस्टिगेशन है वो जारी है। ये पॉक्सो और 376 आईपीसी में रजिस्टर हुआ है। जो आरोपी है सर, उनकी गिरफ्तारी हुई हो चुकी है। तो कितने आरोपी हैं? दो हैं फिलहाल, दो हैं और भी होंगे तो वो भी अरेस्ट हो जाएंगे। कोर्ट में सर पेश कर दिए गए? नहीं, आज किए जाएंगे।